नमस्कार दोस्तों, पूर्व में हमने एक वीडियो बनाया कि ऑडियो क्लिप और वीडियो क्लिप सबूत के तौर में कोर्ट में पेश की जा सकती है या नहीं की जा सकती। उस वीडियो में हमने ये जाना कि ऑडियो क्लिप या वीडियो क्लिप या कोई व्हाट्सएप चैटिंग हो गई या कोई फेसबुक चैटिंग हो गई सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश की जा सकती है। कोर्ट ऐसे प्रूफ को, ऐसे एविडेंस को एज ए सबूत के रूप में, एज एविडेंस के रूप में एविडेंस एक्ट के सेक्शन 65B के तहत ग्राह्य करेगा, यानी एक्सेप्ट करेगा। उसमें हमने ये चीज जानी, आज हम ये जानेंगे कि जब कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है उसके बाद की क्या प्रक्रिया होती है, क्या फोरेंसिक जांच वगैरह की जाती है। क्योंकि जब तक कोई वीडियो होता है, ऑडियो होता है या फिर व्हाट्सएप चैटिंग हो गई, फेसबुक चैटिंग हो गई, उनकी सत्यता तक कोर्ट नहीं पहुंच सकता जब तक उसकी फोरेंसिक जांच नहीं करवा लेता। तो क्या ऐसी दशा में फोरेंसिक जांच करवाना कोर्ट के लिए आवश्यक हो जाता है? और यदि कोर्ट फोरेंसिक जांच करवाता है तो कोर्ट कौन सी स्टेप को अपनाता है जिनके तहत कोर्ट ऐसे मामलों में फोरेंसिक जांच करवाता है, यानी जब कोर्ट के सामने वीडियो ऑडियो क्लिप पेश की जाती है, तो ऐसी दशा में कैसी परिस्थितियों को देखते हुए किन तरीकों से, किन तौर तरीकों से ऑडियो क्लिप की, वीडियो क्लिप की, चैटिंग की, इनकी फोरेंसिक जांच करवाई जाती है, आज के इस वीडियो में जानेंगे हम। इससे पहले एक बार आप फिर से जान लें कि यदि कोई ऑडियो क्लिप है, वीडियो क्लिप है, किसी भी मामले में आप सबूत के तौर पर पेश करना चाहते हैं, तो एविडेंस एक्ट यानी भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है 1872 का, उसके सेक्शन 65B के तहत आप कोर्ट में पेश कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक आवेदन करना पड़ेगा और आवेदन के साथ आपको एक शपथ पत्र भी लगाना होगा कि ये जो मैं एविडेंस में पेश कर रहा हूं, कोई सीडी है या फिर कोई वीडियो जो सीडी के तौर पर पेश किया गया है, कुछ भी चाहे ऑडियो क्लिप हो, मैं जो पेश कर रहा हूं वो सही है, सत्य होने का मुझे विश्वास है। ऐसी दशा में आप शपथ पत्र लगाकर पेश कर सकते हो, कोर्ट उसे एक्सेप्ट भी कर लेता है। लेकिन कोर्ट कब एक्सेप्ट नहीं करता? जब मामले में सुसंगत नहीं हो, यानी उस मामले से संबंधित नहीं हो, बाकी अदरवाइज कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब हम जैसे ही कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है, उसके बाद होती है फोरेंसिक जांच। देखिए क्या होता है कि वीडियो हो या ऑडियो हो, तब तक उसे सत्यता, मतलब कोर्ट जांच नहीं कर लेता उसके सत्य होने की, तब तक उसे कोर्ट सबूत के तौर पर नहीं मान सकता। पेश कर दिया, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया, उसे एडमिट कर लिया, लेकिन फिर भी उसकी फोरेंसिक जांच करवाई जाती है। देखिए कुछ लेबोरेटरीज हैं जो फोरेंसिक जांच करती है। फोरेंसिक जांच का मतलब होता है जो वैज्ञानिक विश्लेषण करना, कि जो भी चीज कोर्ट में पेश की गई है, चाहे वो वीडियो हो, चाहे ऑडियो हो, या कोई फोटोज हैं या चैटिंग है, वो सत्य है या नहीं है, तो उसकी वैज्ञानिक दृष्टि से उसकी जांच करवाई जाती है। देखिए जांच कैसे करवाई जाती है कि फोरेंसिक जो लाइब्रेटरी होती है, जो भी लेबोरेटरी होती है, लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। आप क्या देखिए, एक साइन की अपन को जांच करनी है या एक वीडियो क्लिप की जांच करनी है, तो जिस किसी व्यक्ति के संबंध में जांच की जा रही है उस व्यक्ति के कुछ सैंपल लिए जाते हैं। जैसे मैंने कहीं पे हस्ताक्षर किए अपने, मेरे हस्ताक्षर की जांच करवानी है, भविष्य में कोर्ट में कोई विवाद होता है, तो ऐसी दशा में मेरे हस्ताक्षर के मेरे से कुछ नमूने लिए जाते हैं। जैसे ही वीडियो क्लिप होती है तो वीडियो क्लिप में वही सैंपल लिए जाते हैं, ऑडियो क्लिप है उसमें भी वही सैंपल ले लिया जाता है, क्योंकि वीडियो क्लिप में वही सैंपल ही काम करता है। क्योंकि ऑडियो के साथ साथ वीडियो तो आपको दिखाई दे रहा है, और वीडियो में जिस किसी व्यक्ति के संबंध में वो सबूत पेश किया गया है वो साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज ये होती है कि उनके सत्यता की जांच करता है कि वास्तव में ये ओरिजिनल है या इनमें कोई एडिटिंग तो नहीं की गई है, यदि कोई एडिटिंग की गई है, जाहिर है किसी को फंसाने के लिए की गई है। तो इन सभी तथ्यों की जांच करवाने के लिए लेबोरेटरी में उन चीजों को भेजा जाता है। लेबोरेटरी में भेजने के बाद लेबोरेटरी में उनमें जांच होती है, फोरेंसिक जांच होती है, और वो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट की जाती है। जैसे ही कोर्ट में कोई रिपोर्ट सबमिट हो जाती है, उसके बाद वो एज ए प्रूफ काम में आ जाता है, यानी जो भी आपने वीडियो क्लिप पेश किया, ऑडियो क्लिप पेश किया, वो सबूत के तौर पे कोर्ट उसे ग्राह्य कर लेता है। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे ही कोई वीडियो क्लिप पेश की, ऑडियो क्लिप पेश की, कोर्ट उसे एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन अपोजिट जो वकील होता है, एडवोकेट होता है, वो ऑब्जेक्शन उठा देता है कि सब इसकी फोरेंसिक जांच करवाइए, इसकी सत्यता पे विश्वास नहीं है। जब तक विश्वास नहीं किया जा सकता, जब तक फोरेंसिक जांच नहीं हो जाती, तो ऐसी दशा में कोर्ट ये आदेश देता है कि ऐसे मामले में फोरेंसिक जांच करवाई जाए, और जांच के बाद ही ये पाया जाए कि यह मामला सही है, यानी ये जो भी वीडियो रिकॉर्डिंग पेश की गई है, ऑडियो पेश की गई है, व्हाट्सएप चैटिंग है, ये वास्तव में उस मामले के संबंध में सही है या नहीं है। देखिए कई बार क्या होता है कि पुलिस भी ऑडियो क्लिप, वीडियो क्लिप या कोई व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह जब्त करती है किसी से, तो ऐसी दशा में क्या होता है कि पुलिस को 90A यानी 91 जो CRPC का सेक्शन है उसके तहत नोटिस देना होता है, और नोटिस के बाद वो वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप, चाहे मोबाइल में हो या पीसी की हार्ड डिस्क में हो या मोबाइल की मेमोरी कार्ड में हो, उस व्यक्ति से जब्त कर लेती है। जब पुलिस किसी व्यक्ति से कोई वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप मोबाइल से जब्त करती है या उसका मोबाइल जब्त करती है, तो ऐसी दशा में साधारणतः नियम ये है कि उस व्यक्ति को पुलिस उस चीज के बदले कुछ भुगतान करती है, यानी मेरा मोबाइल अगर पुलिस लेकर जाती है तो
तो मुझे उसके बदले में कुछ भुगतान किया जाता है, जो भी मोबाइल का उचित मूल्य बनता है, मेरा मेमोरी कार्ड है या मेरे पीसी की हार्ड डिस्क है, तो उसका जो भी उचित मूल्य बनता है वो पुलिस मुझे भुगतान करती है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मैं परिवादी हूं या मेरे साथ आहत व्यक्ति, मैं खुद ही आहत व्यक्ति हूं, यानी मेरे साथ कोई घटना घटित हुई है और मैं कोर्ट में जाता हूं और मैं बोलता हूं कि साहब ये वीडियो क्लिप है, मेरे मोबाइल में मैंने शूट किया है, तो ऐसी दशा में मुझे किसी भी प्रकार का पुलिस कोई भुगतान नहीं करती है।